नमस्कार, द लीडर हिंदी के बरेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमन रस्तोगी। आइए फटाफट अंदाज में जानते हैं कि आज बरेली में दिन भर क्या रहा। दो सिर वाले बच्चे का जन्म एक घंटे बाद तोड़ा दम। मीरगंज में गांव नगरिया सादत निवासी हरीश की पत्नी सुनीता ने दो सिर वाले बच्चे को जन्म दिया। यह देखकर परिवार से लेकर अस्पताल का स्टाफ तक हैरान रह गया, लेकिन भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक घंटे बाद नवजात ने दम तोड़ दिया। इससे परिवार की खुशियां मातम में बदल गईं। एसएसपी ने पकड़ा वाहन चेकिंग के नाम पर वसूली का खेल। वाहन चेकिंग के नाम पर ट्रैफिक पुलिस की वसूली का खेल उस वक्त खुलकर एसएसपी गुले सुशील चंदमान के सामने आ गया जब एसएसपी शहर में राउंड पर निकले। एसएसपी अपने काफिले के साथ कैंट के वीरांगना चौक से गुजर रहे थे। इस दौरान टीएसआई देवेश सिंह वहां पर वाहनों की चेकिंग करते हुए पाए गए, जबकि उनकी ड्यूटी सेटेलाइट चौराहे पर लगी थी। आला अधिकारियों के आदेश के बिना चेकिंग करते पाए जाने और ड्यूटी पॉइंट से नजारत रहने पर एसएसपी ने जमकर फटकार लगाई। साथ ही एसपी ट्रैफिक को वसूली करने वाले ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। मामले में टीएसआई को नोटिस जारी करके स्पष्टीकरण मांगा गया है। इसे लेकर एसपी ट्रैफिक शिवराज का एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है। इसमें वो ट्रैफिक पुलिसकर्मियों से कह रहे हैं कि जब चालान काटने को मना किया गया है तो क्यों काटते हो। YouTube पर वीडियो देखकर ATM लूटने की कोशिश। दो युवकों ने YouTube वीडियो से ATM काटने की जानकारी जुटाई और फिर देर रात कैंट थाना क्षेत्र के सदर बाजार स्थित एक ATM लूटने पहुंच गए। दोनों ने जैसे ही ATM काटने की कोशिश करी वैसे ही सायरन बजने लगा। आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए। यह देखकर दोनों घबरा गए और भाग निकले। इस बीच मुंबई स्थित बैंक के मुख्यालय से ATM में लूट की कोशिश की सूचना कैंट थाने को मिली तो पुलिस टीम भी मौके की ओर दौड़ पड़ी। बैंक की ओर से भेजी गई CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस ने युवकों की शिनाख्त कराई तो उनकी पहचान अंकुर और मोहम्मद राहिद निवासी कैंट के रूप में हुई। पुलिस ने रात में ही दोनों को ट्रेस करके शास्त्री चौक से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पता चला कि दोनों नशे के आदी हैं। होली पर खर्चे के लिए और अपने महंगे शौक पूरे करने के लिए दोनों ने यूट्यूब पर वीडियो देखकर ATM काटने की साजिश रची थी। होली से पहले लिए मिठाई और कचरी के सैंपल। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने होली से पहले मिलावटखोरी रोकने के लिए 9 जगह से नमूने लिए। टीम ने शादाना में जोया स्वीट से गुलाब जामुन, आंवला में अंसारी किराना स्टोर से रंगीन कचरी और हल्दी पाउडर, फरीदपुर से सरसों का तेल, रसूला चौराहा स्थित सक्सेना स्वीट से मावा आदि के सैंपल लिए हैं। नमूनों को जाँच के लिए राजकीय खाद्य प्रयोगशाला भेजा गया है। DM ने सरकारी मुलाजिमों को पढ़ाया आचार संहिता का पाठ। DM रविंद्र कुमार ने शुक्रवार को लोकसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता के प्रभावी अनुपालन के लिए विकास भवन सभागार में एक बैठक करी। इसमें सभी अधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग की आदर्श आचार संहिता का पाठ पढ़ाया। निर्देश दिए कि किसी भी सरकारी भवन, चल अचल संपत्ति, वेबसाइट आदि में किसी राजनीतिक दल का प्रचार प्रसार न हो। विभाग के कार्यक्रम में राजनीतिक प्रतिनिधियों को न बुलाया जाए। सरकारी अर्ध सरकारी संस्थाओं के कर्मचारी किसी भी राजनीतिक दलों के प्रचार प्रसार में उपस्थित न हो। इसके अलावा DM ने कलेक्ट्रेट में बनाए गए कंट्रोल रूम का भी निरीक्षण करा। कांग्रेसियों ने काली पट्टी बांधकर बैंक खाते फ्रीज करने का जताया विरोध। देश में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले इस कार्रवाई से कांग्रेस के सामने पैसों की किल्लत खड़ी हो गई है। इसे लेकर शुक्रवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन करा। साथ ही DM के मार्फत राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है। फिलहाल आज के बरेली बुलेटिन में इतना ही। बरेली से जुड़ी ऐसी ही अन्य अपडेट्स पाने के लिए द लीडर हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।